आज तो आ रही है पार। दिस चैनल इज ऑल अबाउट ट्राइंग न्यू थिंग्स। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम उससे सीखते हैं और हम कभी कभी कपड़ों की वाट भी लगा देते हैं। तो आज हम करने वाले हैं कपड़ों पर कलर। का ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, हम सीधा इस पर काम करना शुरू करेंगे एंड लेट्स सी हाउ इट टर्न आउट। मुझे इस जीन्स का सिर्फ पॉकेट कलर करना था, तो इसलिए मैंने उस पॉकेट के अराउंड मास्किंग टेप लगाई ताकि हमारा कलर जो है वो वहाँ से बाहर ना जाए और सिर्फ पॉकेट को ही लगे। उसके बाद मैं यहाँ ले रही हूँ एक्रेलिक कलर, जिससे हम एक बेस कोट लगाएंगे। अगर आपके पास जेसो है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे पास इस वक्त सिर्फ एक्रेलिक वाइट कलर ही अवेलेबल था, तो मैंने उसी के इस्तेमाल करके एक वॉश प्लेन कलर लगाया है ताकि जब मैं उस पर ड्रॉ करूँ या फिर कलर करूँ तो कलर अच्छे से स्टिक हो जाए। तो अब हम इस पॉकेट को पूरा वाइट प्लेन कलर करेंगे और जैसे ये पूरा कलर हो जाएगा मैं थोड़ी देर के लिए इसके सूखने के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं सिंपल से पेंसिल का इस्तेमाल करके इस पर ड्रॉ करूँगी। तो मैं यहाँ पर कलर करने के लिए यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर्स। आप चाहे तो किसी भी और फैब्रिक कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक्रेलिक ऑल्सो वर्क्स रियली फाइन। और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एग्जैक्टली इस पे ड्रॉ क्या कर रही हूँ, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन, तो मैं अभी आपको इसका जवाब देती हूँ। ओके, तो मैं इस पर ड्रॉ कर रही हूँ फिदा कालो, जो कि है एक आर्टिस्ट और ऑलवेज गेट इंस्पायर्ड बाय हर वर्क। उनकी जो पेंटिंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैं यहाँ पर फिदा कालो की एक इलस्ट्रेटिव ड्राइंग बना रही हूँ और मैं बहुत ही खूबसूरत कलर्स के साथ इन्हें कलर करने वाली हूँ। लुक एट दिस कलर, दे लुक सो ब्यूटिफुल। और जैसे ही हमारा पॉकेट पूरा कलर करके रेडी हो जाता है, उसके बाद टाइम आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द डिटेल्स। यस, अब हम इसमें भर भर के डिटेल्स ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं मार्कर का इस्तेमाल करके उनकी आंखें, मुंह और अदर डिटेल्स ऐड करूँगी। उसके साथ ही साथ हम बैकग्राउंड में भी काफ़ी सारी खूबसूरत से डॉट्स या फिर इलस्ट्रेशन फ्लावर्स ऐड करके थोड़े बहुत और डिटेल्स ऐड करेंगे। एंड वी आर ऑलमोस्ट डन। एंड डू लेट मी नो इन अ कमेंट बिलो, आपको ये ड्राइंग लग कैसा रहा है? मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। कोई मोमेंट होता है ना जब आपको खुद पर प्राउड फील करना चाहिए, दिस इज द मोमेंट, यही वो मोमेंट है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, कि ये तुम पहन के क्यों नहीं दिखा रही हो। दिल पे पत्थर रख के मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये मुझे फिट नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली मैं इसको पहन के नहीं दिखा सकती, बट आई थिंक इट टर्न आउट सुपर कूल, सुपर सुपर कूल, आई लव इट। अगर आपको आज का वीडियो भी पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।